हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे केला का सब्जी और इसको हम घर के बेसिक से सामान से ही बनाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप देख ही सकते हैं हमारा सब्जी जो है कितना बढ़िया बना है और बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। काफ़ी टेस्टी बनता है इस तरीके से, तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। और हमारा सब्जी देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक कटोरी में 5 से 6 चम्मच हम दही डालेंगे। दही आप कोई भी ले सकते हैं, घर का जमा हुआ या फिर बाजार का भी। तो 5 से 6 चम्मच हमने यहाँ दही लिया है। इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले 3 से 4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालें जितना तीखा आप खाते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और इन सबको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि थोड़ा क्रीमी जैसा हो जाए। इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा सा सब्ज़ी में टेस्ट आता है इस तरीके से दही में मसाला मिला करके देने से। और जो हम सब्ज़ी में दही डालेंगे, अगर हम खाली दही डालते हैं अलग से तो दही फटने का चांस ज़्यादा रहता है, और इस तरीके से मसाला मिला करके दही डालेंगे तो दही जल्दी फटता नहीं है। तो यहाँ पर 2 फायदे हैं इसके। तो ये हो चुका है रेडी, तो इसको हम करते हैं साइड में। हमने यहाँ 500 ग्राम केला लिया है जिसको हमने छील कर धो करके और इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। इसको थोड़ा छोटा या बड़ा टुकड़ा आप रख सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। हमने इसको थोड़ा छोटा ही टुकड़ा काटा है। अब हम रखेंगे गैस पर एक कढ़ाई और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसमें हमने डाला 1 चम्मच सरसों का तेल, आप इसमें कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए उसमें हमने डाला है यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कली छील करके और 1/2 इंच अदरक। इसके बाद ये है 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। अदरक लहसुन को मैंने 15 से 20 सेकेंड के लिए भून लिया था। इसके बाद हल्का सॉफ्ट होने तक प्याज को भी भून लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है प्याज, हमें ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म करना है थोड़ा सा भून के। इसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है, टमाटर भी हमने लिया था 3 मीडियम साइज़ का। और अब हम टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक ही। तो यहाँ पर हमारा टमाटर भी भून करके रेडी हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए। उसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हम प्याज टमाटर को पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल करके। यहाँ हमने दोबारा से गैस पर कढ़ाई रखा है और हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, आप इसको कोई भी तेल में बना सकते हैं। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे धुआं आने तक और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। तो तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम केला डाल देंगे और हल्का गोल्डन होने तक हम केला को फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। इसको आप चाहे तो पूरा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का गोल्डन हो चुका है हमारा केला, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और इधर हमने प्याज टमाटर को भी पीस लिया है पूरा अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद। इसको स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार करना है। और ये हमने इसमें तेल कुछ कम कर लिया, तेल क्योंकि ज़्यादा था तो इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा जीरा। आप इसमें चाहे तो और भी कोई खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पीसा हुआ प्याज टमाटर का पेस्ट।
फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई से चिपकना ना बंद कर दे और तेल ऊपर तैरने ना लगे। जैसे ही मसाले तेल छोड़ने लगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे, और यहाँ हमने डाला है नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्याज टमाटर का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है और तेल आप देख सकते हैं ऊपर ये तैर रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो दही और हमने सूखा मसाला का पेस्ट तैयार किया था वो। अब हमें मसाले को खूब अच्छे से भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए, और हम इसको चलाते रहेंगे नहीं तो मसाले जो है नीचे चिपकने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले में से तेल जो है अलग होने लगा है, मसाला हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भून गया है। हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे, और ये हमने 2 हरी मिर्च लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमने बीच में कट करके हरी मिर्च डाला है इसमें। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें फ्राई किया हुआ केला। केला डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम और भून लेंगे, और बीच में हम एक बार इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि केले के अंदर अच्छे से जो मसाले का फ्लेवर होता है वो आ जाए। तो अब हमारा यहाँ पर सब्जी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से भून करके रेडी है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी, आप इसको चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं सूखी सब्जी की तरह रोटी के साथ। तो हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप डाल लीजिए। मैंने यहाँ लगभग 2 गिलास पानी डाला है। इसके बाद हम इसमें उबाल आने देंगे, और उबाल आने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी में जो उबाल आ चुका है, और इसको हमने ढक करके 5 से 6 मिनट तक पका लिया है, और यहाँ पर हमारा सब्जी जो है बन करके रेडी है पूरे तरीके से। और इसका ग्रेवी जो है पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो आप पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी ना करें। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, और बस हम इसको मिला देंगे, और अब हमें कर देना है गैस को ऑफ। बस इसको हल्का सा 5 मिनट ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी केला का सब्जी बनकर के रेडी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।